इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें, सूत्रों के हिसाब से ये बात पता चली है, उनके नाम पर अंतिम मुहर आज लगने वाली है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हो सकता है। आपको बताएं, उत्तर पूर्वी सीट से अगर कन्हैया कुमार को टिकट मिलता है तो उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर कन्हैया कुमार उनके सामने आते हैं तो क्या मनोज तिवारी इस बार जीत का सामना करते हुए नजर आएंगे या नहीं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के टिकट पर कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इसके बाद से लगातार सार्वजनिक मंच पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज ही कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि हम 140 करोड़ जनता को बधाई देते हैं कि आपकी न्याय की आवाज है और उस न्याय की आवाज को कांग्रेस ने संकल्प के तौर पर लिया है और इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। आपको बता दें, सितंबर 2015 में कन्हैया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से छात्र संघ के अध्यक्ष बने, तब वो अपने भाषणों को लेकर काफी चर्चा में आए। और वहीं बताएं, दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें हैं और यहां पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस समझौते के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि उसने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार उसके प्रबल दावेदार हो सकते हैं।